हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी हैं सिस्टर फ्रेंड्स आप? आई होप आप सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। मॉर्निंग का टाइम है, करीबन बज रहे हैं अभी 7, और सुबह का 7 बज रहा है। दिन है संडे का, तारीख है 11 जून। 11 जून और संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। लेकिन हम हाउस वाइफ्स को कोई छुट्टी नहीं होती है, चाहे फिर संडे हो या मंडे। तो मेरा भी मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो चुका है, और मुझे आजकल जो है वर्कआउट की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। काम तो है ही है ही, काम के साथ साथ जो मेरा ये रूटीन चल रहा है पिछले 2 मंथ से, इस रूटीन को मैं बिल्कुल बिगड़ने नहीं देना चाहती, ख़राब नहीं होने देना चाहती, इसलिए इसकी चिंता मुझे ज़्यादा रहती है। तो मैं मॉर्निंग में टाइम टू टाइम उठती हूँ फ्रेंड्स। हालांकि छुट्टी का दिन है, हर कोई चाहता है कि छुट्टी के दिन हम थोड़ा सा लेट उठें, थोड़ा सा ज़्यादा सोएं, क्योंकि प्रतिदिन तो उतना नहीं हो पाता है। लेकिन संडे भी मेरा आजकल इसी तरीके से बीतता है, संडे भी मैं सेम टाइम पर ही उठती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो ये 2 महीने की रूटीन है, इसको मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। 32 बार जर्नी में हूँ, ये सब पहले से ही मैं बार बार ब्लॉग में बताती चलती हूँ। मैं 32 बार फार्मूला कर रही हूँ, फार्मूला बहुत बेस्ट है। और आज 32 बार फार्मूले से जुड़ी हुई मैं बहुत ही सीक्रेट जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ। थंबनेल और टाइटल से तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा आप लोगों ने लगाया ही होगा, जिसको नहीं अंदाज़ा लग पाया है वो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं आज आप सभी के साथ बहुत ही मतलब गज़ब का सीक्रेट वाला जो है मैजिक वाटर ड्रिंक मैं शेयर करूंगी। तो पहले वर्कआउट कर लेती हूं। तो 30 मिनट से 35 मिनट की वर्कआउट मैं प्रतिदिन करती ही करती हूं, अपने शरीर के हिसाब से, अपने शरीर की समस्याओं के हिसाब से, जो कि मैं पहले भी बताई हूं, जिसको जैसी समस्या हो, जिसको जो प्रॉब्लम हो, भाई उसी हिसाब से आप लोग वो वर्कआउट करिए। ऐसा नहीं है कि आप मुझे देख कर कुछ भी करें, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी ही मिलेगा, रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए पड़ेगा। बेली फैट के लिए कर रहे हैं तो बेली फैट से जुड़ी एक्सरसाइज करें। आप 32 बार जर्नी में हैं तो पूरे शरीर के वेट को लॉस करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज होती है वो करें। आप नॉर्मल फिट और हेल्दी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो मैं कर रही हूँ सेम आप रूटीन फॉलो कर सकती हैं। तो ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, ब्लॉग आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो फ्रेंड्स लाइक करते हैं उनको थैंक यू, जो नहीं करते उनसे मैं यही कहना चाहूँगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। लाइक और व्यूज से ही हमारे को काम करने की हिम्मत और हौसला मिलता है। सो प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फ़िलहाल कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की वर्कआउट, जो कि मैं पहले ही बताई आप सभी को कि मैं करती ही करती हूँ 30 से 35 मिनट का। इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, और इसका 100% बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए यदि आप पतला होना चाहती हैं। सारी एक्सरसाइज, सारा डाइट लेकर आप थक चुकी हैं और उसके बाद भी आप जो है स्लिम फिट हमारी तरह नहीं हो पा रही हैं, तो आज मैं आपको एक मैजिक ड्रिंक बताऊंगी, जिसको पीने के बाद 100% गारंटी है मेरी कि आप जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर एकदम स्लिम फिट हो ही जाओगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं वर्कआउट करने के बाद करूँगी ब्रश और उसके बाद में वो मैं ड्रिंक लूँगी, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊँगी। और फ्रेंड्स मैं साथ के साथ उन सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, दिल से आपका धन्यवाद कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है। कई सारे कमेंट आते हैं, मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट्स भी जो है स्क्रीन पर दिया करूँ। कि एक मेरी फ्रेंड, अभी तो मैं उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उनका कॉमेंट आया था कि आप लोगों के वीडियोज़ को देख कर, आपके वर्कआउट्स को देख कर, आपके रूटीन को देख कर हमें भी मन करता है कि हम भी इसी तरीके से 32 बार फॉलो करें और इस रूटीन को हम भी करें। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग का इस टाइप का कॉमेंट पढ़कर, तो आप लोग ज़रूर करें। मैं तो बार बार बोलती हूँ कि 32 बार बहुत बेस्ट है, जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल शुरू करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं जिस मैजिक ड्रिंक की बात कर रही थी, वो मैं मैजिक ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है कांच के बर्तन में 1 गिलास पानी, और ये है फ्रेंड्स हनी, हनी मतलब शहद। तो ये है शहद फ्रेंड्स, और ये शहद जो है 1 गिलास गुनगुने पानी में इस तरीके से डालकर और इस तरीके से मिक्स कर ये जो बन गया एक तरह का मैजिक ड्रिंक मैं तो बोलूँगी इसको, क्योंकि ये जो है वेट को लॉस करने में, मतलब वजन को घटाने में 100% जो है रामबाण ये उपाय है, घरेलू नुस्खा बोल सकते हैं इसको आप। और सारी चीज़ें आप एक तरफ छोड़िए, वर्कआउट एक तरफ छोड़िए, 32 बार चबाकर खाना भी एक तरफ छोड़िए, आप बस सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना चाहती और वेट लॉस करना चाहती हैं, तो इस तरीके से आप नॉर्मल गुनगुने पानी में 1 चम्मच हनी डालकर, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालकर, और आप इसको प्रतिदिन खाली पेट पीजिए फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स यकीन मानिए 100% गारंटी है कि आपका जो शरीर का वजन है वो ऑटोमेटिकली ही कम होना शुरू हो जाएगा। और हनी जो है मतलब शहद जो है इसके अनगिनत फ़ायदे हैं हमारे शरीर के लिए, ये बहुत बेस्ट है हनी। हनी मैं बता देती हूँ कि कौन सा लेना है, यदि घर का हनी मिल जाता है प्योर तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो फिर ब्रांड में मुझे सबसे बेस्ट लगता है पतंजलि ब्रांड और एक डाबर का ब्रांड। डाबर पतंजलि दोनों ही हनी बेस्ट होते हैं। इन दोनों ही हनी में को आप लेकर और इस तरीके से पीकर आप अपने वजन को अपने शरीर को मतलब घटा सकती हैं। तो मैजिक ड्रिंक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसको आप ज़रूर यूज करिएगा। बिल्कुल आपको ज़्यादा वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मतलब कुछ डाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आप इस मैजिक ड्रिंक को प्रतिदिन नियम के साथ खाली पेट सवेरे पिएंगी तो इसका बेस्ट बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ये मैं बोलती हूँ, गारंटी है इस चीज़ की। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने मैजिक ड्रिंक पीने के बाद यानी कि हनी का वाटर पीने के बाद और उसका टेस्ट भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। हल्का फीका सा टेस्ट आता है उसमें, ज़्यादा कोई खास टेस्ट नहीं होता है, पीते पीते आदत हो जाएगी। मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो उसके बाद मैंने मॉर्निंग की जो भी डस्टिंग सफाई होती है वो सब बासा काम निपटा चुकी हूँ और आज मैं 32 बार जर्नी के लिए बेस्ट हेल्दी नाश्ता बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये जो चीला बना रही हूँ मैं गेहूं सूजी और थोड़ा सा इसमें मैंने बेसन मिक्स कर वेजिटेबल्स डालकर एकदम हेल्दी तरीके का ये आटे का चीला, गेहूं के आटे का सिंपल चीला, देखिए कितना टेस्टी और यमी दिख रहा ना, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और ये रेसिपी मैंने 32 बार जर्नी में आने के बाद सीखी है, बहुत ही सुपर रेसिपी है। बाकी सारे चीले मैंने बहुत खाए हैं लेकिन गेहूं के आटे के भी चीले बनते और इतने टेस्टी लगते हैं, ये मैं 32 बार में आई तब मैंने इसको ट्राई किया तो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। हल्के से सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं। साथ में मैंने बनाया था वाटरमेलन जूस, जो कि गर्मी में ठंडा ठंडा जूस और इस टाइप का नाश्ता मिल जाए मॉर्निंग की एक्सरसाइज के बाद तो मज़ा ही आ जाए। तो फ्रेंड्स मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है क्योंकि आजकल पूजा पाठ में नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर उसमें मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में, साफ़ सफाई सारी हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ पोछा रह गया था तो पोछा कर नहाना करूँगी। संडे का दिन ही काम बहुत ज़्यादा होता है, मेरी तो आज इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हुई थी ना फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। संडे का दिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कई बार, तो आज वही हो गया था, बहुत ही मतलब सुबह से शाम हो गई थी मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। तो दोपहर में सिंपल दाल चावल चोखा नहीं टमाटर और पुदीने की चटनी बनाई थी मैंने, वो था दोपहर के खाने में। उसके बाद सीधे शाम को मिल रही हूँ, करीबन बज रहे 8:30 ऐसा ही टाइम हो रहा है, थोड़ा सा चले गए थे हम, संडे में छुट्टी का दिन होता है और ग्रोसरी वगैरह लाने थी तो शाम को चले गए थे मार्केट, सामान वगैरह राशन लेना था तो लेकर आए थे। उसके बाद इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, वरना 8 तक मेरा शाम का खाना हो जाता है। और आज तो रात के 10 बज गए थे खाना खाने में, क्योंकि आज खाने के लिए सिर्फ हम लोग ही नहीं, मेरी फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो आज जो है उन्हीं की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ हमारे बिहार का पारंपरिक फेमस लिट्टी चोखा। हालाँकि उतना तो टेस्ट इसमें नहीं आता है क्योंकि जो हमारे घर में गाँव में अंगारे पे आगी पे जो लिट्टी बनती है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, पर हाँ ये है कि मन कर गया तो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। और 32 बार जर्नी में है तो ये तो बेस्ट खाना लगा मुझे, ऑयल फ्री एकदम, और गर्मी का टाइम है और 32 बार जर्नी में हो और डिफरेंट सा कुछ खाने का मन कर रहा, तो इस तरीके से लिट्टी और चोखा बनाकर खाइएगा, बिहार का फेमस खाना है ये। और देखिए लिट्टी को भरकर स्टफ कर मैंने उबालने के लिए रख दिया और एक तरफ मैं जो है चोखे को तड़का लगा रही हूँ सरसों के तेल में, वही बेसिक प्याज लहसुन और जीरा वगैरह डाल दिया था और उसके साथ टमाटर पका लिया था। और उसके बाद में ये चोखा जो आलू और बैंगन वगैरह मैश करके रखे थे ये मिक्स कर दिया, तो ये हमारा चोखा तैयार हो गया। इधर मेरी लिट्टी हो गई है, गर्मी का टाइम है, लिट्टी को पकने में गर्मी के दिनों में 20 से 25 मिनट में लिट्टी अच्छे से पक जाती है। और मैंने सत्तू मसाले वाली लिट्टी बनाई है, काफ़ी दिन के बाद फ्रेंड्स मेरे घर में इस टाइप का जो है लिट्टी चोखा बड़े दिन के बाद बन रहा है, वही घर में थोड़े से मतलब फ्रेंड्स आने वाले खाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया मेरी फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड। तो यहाँ पर देखिए हो गया है खाना हमारा तैयार, तो कर देती हूँ प्लेटिंग। और लिट्टी चोखा हमारा तो वेरी फेवरेट है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। और हमारी बेदू इसको मोमो समझ के खाती है, बोलती है मोमो है। तो ये लगी हमारी थाली आज की, बताइएगा कैसा लगा लिट्टी चोखा। और इस 32 बार जर्नी में जो है और कुछ नहीं बना के खा पा रहे तो इस तरीके से लिट्टी चोखा एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बेस्ट खाना है एकदम, जो है मसाला फ्री ऑयल फ्री होता है। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है और उसके बाद 10:30 का टाइम है अभी ये, और खाने के बाद कुछ मीठा, गर्मी का टाइम है तो मैंने ये दोपहर में आइसक्रीम जमा दी थी नॉर्मल दूध में, कस्टर्ड पाउडर डालकर बस रख दिया था मैंने, तो ये आइसक्रीम जम गई है। और बेदू के लिए तो मैं घर में ही बनाती हूँ, तो बस ये आइसक्रीम हम लोग इन्जॉय कर लेंगे। और अभी मैं इस वीडियो को अभी यहीं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, मिलती हूँ इसी तरीके के अच्छे से।